दोस्तों DSSB के प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर के नवरत्नों में कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग डैश के कारण होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अपरिवर्तन। क्वेश्चन नंबर थ्री है फिर, कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया करता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंकुश कृमि। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मोक से जुड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिनियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ये आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिस्मिल्ला खान। क्वेश्चन नंबर सेवन, मोहिनी अट्टम डैश राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है? वो है आपके तमिलनाडु का, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर एट, मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, USA और डैश शामिल थे, कौन है इसमें तीसरा पार्टनर जो था इसका? वो था जापान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल डैश है, कितने साल का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का? ये होता है आपका पाँच वर्ष, बी, पाँच वर्ष इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन, 17 सितंबर 2017 को PV सिंधु ने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश की एक खिलाड़ी को हराया? तो उन्होंने जापान की खिलाड़ी को हराया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड डैश के लिए प्रयुक्त होती है? तो Ctrl+Z जो होता है वो अंडू करने के लिए होता है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, बचत खातों पर ब्याज दरें डैश द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो सेविंग अकाउंट्स हैं उन पे जो रेट इंटरेस्ट है वो कौन करता है? वो करते हैं इंडिविजुअल बैंक्स यानी व्यक्तिक बैंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति डैश को निहित है? तो ये वाला रिट जारी करने की जो शक्ति है वो होती है सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे अब, अप्रत्यक्ष करों को यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को डैश माना जाता है, क्या माना जाता है? इनको प्रतिगामी माना जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश से संबंधित है? इसका आंसर है उद्योगों, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं? तो जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, तो ये हमें पहाड़ मिलेंगे, तो ये किस सीरीज में मिलेंगे हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले हमें मिलेगा धौलाधार जो हिमालय में है, फिर शिवलिंग जो नेपाल में लगता है, उसके बाद तीसरा विंध्य जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और फिर सतपुरा जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से हम नॉर्थ टू साउथ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली कपास मुद्रा डैश में पाई जाती है? तो इसका आंसर है डी, गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, लौटता मानसून डैश में भारी वर्षा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ डैश द्वारा बनवाया गया? इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, पूना समझौता गांधी और डैश के बीच हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ है वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंबेडकर। तो अब बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, कौन सा आरेख ये कथन दर्शाता है कि कुछ संगीतज्ञ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई संगीतज्ञ खिलाड़ी नहीं है? तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 13:93 का जो रिश्ता है वो 17 से किसका होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 15, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 23, संख्या चार वाले मुख के विपरीत मुख पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर हमें ये दिए गए हैं दो डाइस और हमें बताना है इसका आंसर, जो 23 का आंसर है ऑप्शन सी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि बार्ले को CBTMGZ लिखा जाता है तो साउंड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, इस श्रृंखला को पूरा करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी JIS, ये इसका आंसर है 25 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ पर अप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23, 26 का है 23 ऑप्शन ए। 27, यदि 17 × 64 है 4716 के बराबर, 28 × 34 है 4823, तो 76 × 84 क्या होगा? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 4678। क्वेश्चन नंबर 28, लुप्त पद ज्ञात करें, तो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी 100। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, तो यहाँ पर हमें एक ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है, पांच मित्र दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, जय अशोक के ठीक दाएं हैं, प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में हैं, सुरेश जयेश और प्रवीर के बीच में हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस बने हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बाएं सिरे पर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बबलू जो है वो बिल्कुल बाएं सिरे पर है, और मध्य में कौन है? मध्य में है सुरेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा बाकियों से भिन्न है, कौन सा अलग है वो बताना है इसमें, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, धीमा ऊंचा, ये बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 32, एक दी गई संख्या 7834329513 में हम प्रथम और द्वितीय को आपस में, तृतीय और चतुर्थ को आपस में और इसी प्रकार स्थान आगे भी परिवर्तित करते हैं, ऐसे में दाएं से छठा अंक कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो किसका अर्थ है कि एम एन का भतीजा है? इसका ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कौन सा आरेख मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन एस, सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन में यू है और एडमिनिस्ट्रेशन में यू कहीं पर है ही नहीं, तो यही आंसर है, इसको देखते हैं पलट लिया। क्वेश्चन नंबर 36, ये एक फिगर है, नॉन वर्बल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये इसका आंसर है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, अपने आंसर किसे मैच कर सकते हैं अपने बुकलेट से। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। फिर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे, 38 में कुछ इस तरह से फिगर्स दी गई है, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट फिगर जो होगी वो कौन सी होगी यहाँ पर, तो 38 का आंसर है ऑप्शन सी, ये आप मार्क कर लेंगे। फिर है 39 क्वेश्चन, तो इसमें भी कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर, ये तीन रिलेटेड है, इसी तरह से इसकी जो दे रखी है और आखिरी बतानी है, तो इसका जो 139 का जो है वो है ऑप्शन बी आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन 40 है, 40वां सवाल है, उसमें भी फिगर्स दे रखी हैं और हमें आखिरी जो फिगर है आखिरी इमेज बतानी है, तो इसकी जो आखिरी इमेज है वो है सही आंसर इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, तो ये रीजनिंग हो चुकी है, अब हम मैथ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर 41 क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो 5 × 625 की पावर 0.25, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो इसका जो आंसर लास्ट में निकल के आएगा वो आएगा 25, तो इसका आंसर है बी 25। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कौन सी संख्या n, n प्लस 1, n प्लस 2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी 24।
क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार यानी बेस जो है उसका वो 4 मीटर है और उसका कर्ण उसका हाइपोटेनस 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से आप इसकी हाइट भी निकाल लेंगे और जब उसको फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक आयत के परिमाप यानी पेरीमीटर 200 मीटर और चौड़ाई ब्रेथ उसकी 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आप एल निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2400। 45 है, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते तो मूलधन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 46, 12000 रुपये की एक राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 वर्षों बाद वो हो जाएगी 1,92,000। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, ये सिंपलीफिकेशन में से आया है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे और n का जो वैल्यू है वो आप n का मान निकालोगे तो n का मान यहाँ से निकल के आएगा सी 5। तो 5 है यहाँ पर n की वैल्यू, इसका सही आंसर है। 48 क्वेश्चन देखते हैं, 0.8 बार, ये किसके इक्वल है, 0.8 बार जो है वो है 8/9 की, जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.8888 आता रहेगा जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 10 है और लघुत्तम समावर्तक 45 है, यानी उनके एलसीएम और एससीएफ हमें दिए गए हैं, तो संख्याओं का गुणनफल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का वो हमें बताना है यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जो होगी वो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ हमारे पास, जो 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें से कौन सी संख्या है, वो है आपकी आंसर ऑप्शन ए 5148। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि एक वृत्त का त्रिज्य 1% से बढ़ जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, कितनी होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी 2.01%। क्वेश्चन नंबर 52, 15 सेबों का क्रय मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत है, हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज बताना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25%। क्वेश्चन नंबर 53, एक धनराशि ए पी सी और डी के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि सी को ₹2000 डी से अधिक मिलते हैं, यानी सी को डी से ₹2000 ज़्यादा मिलते हैं तो बी का भाग क्या है, तो हमें बी का पार्ट बताना है, बी का पार्ट है ₹4000, तो इसका जो आंसर है सही वो है ₹4000। क्वेश्चन नंबर 54, ए बी स्क्वायर से अनुक्रम अनुपात में है, यदि बी इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू 8 तो ए ज्ञात कीजिए यदि बी जो है वो 5 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से प्राइम नंबर नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी 141 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, x का मान डैश है जहां x, x प्लस 1, x प्लस 2 सभी अभाज्य संख्या है, यदि सभी प्राइम नंबर हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 होगी। 57 क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमेटर का जो सम है वो 14 है, 14 है, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाए जाए तो ये 1 हो जाता है, वो भिन्न है, वो फ्रैक्शन बतानी है, तो वो फ्रैक्शन है 5/9, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 58 क्वेश्चन है, 9 संख्याओं के एक समूह का औसत 68 है, 68 है, यदि एक संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो औसत 72 हो जाता है, नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच क्या अंतर है, इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 36 है, 36 है।
क्वेश्चन नंबर 55, ये भी सिंपलीफिकेशन में से है, जब आप इसको सिंपल करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन वन ऑप्शन सी जो वन है। क्वेश्चन नंबर 60, उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर निकल गया आएगा ऑप्शन सी 36। तो ये हमारी मैथ भी हो चुकी है, अब हम हिंदी की तरफ पढ़ते हैं। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 61 है, यहाँ पर 61 से हिंदी शुरू है, देखते हैं। तो हमें पर्यायवाची शब्द सुनने हैं 61 और 62 में। तो धरती का पर्यायवाची है अचला, तो इसका सही आंसर अचला है, और 61 का इसी तरीके से 62 है अनिल का पर्यायवाची है पवन, तो पवन इसका सही आंसर है। तीसरा है 63, तिरस्कार की हमें संधि विच्छेद करनी है, तो इसका जो सही आंसर है 63 का वो है ऑप्शन बी, ये इसकी सही संधि है सर। 64 क्वेश्चन लेते हैं, तत्सम शब्द चुने, इनमें से हमें तत्सम चुनना है, तो इसका सही आंसर है भविष्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा शब्द बहुवचन है, इनमें से बहुवचन ढूंढना है, तो बहुवचन जो शब्द है वो इनमें से समाचार है, तो यही इसका सही आंसर है। अब हमें यहाँ पे से त्रुटि ढूंढनी है, एरर फाइंड करना है, देखते हैं कौन से में है। तो 66 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेज गति से चल रही है, क्योंकि यहाँ तरक्की की बात करिए तो तरक्की चलती नहीं, तरक्की होती है या तरक्की आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसमें जो त्रुटि होनी चाहिए वो तेज गति से चल रही है, इसी में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष है, कोई त्रुटि नहीं, तो 67 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसके अंदर त्रुटि है, क्योंकि सज्जन में पुरुष वर्ड जो है वो अपने आप में सम्मिलित हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ सज्जन होना चाहिए, सज्जन है, पुरुष नहीं होना चाहिए साथ में। मुहावरों का सही अर्थ चुनना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 68 है, ढाक के तीन पात, इसका जो सही अर्थ है वो है सदा एक सा, एक जैसा रहना, एक समान रहना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 69, छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ है पास रहकर दुख देना, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं हम, तीन तेहरा करने का मतलब है बिखर जाना, तितर बितर हो जाना जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सही वाक्य का चयन करना है, तो चार वाक्य देखते हैं, इसका जो सही आंसर है 71 का वो है सी, हमारे देश में अनेक जातियाँ हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी हमें सही वाक्य चुनना है, तो इसका जो सही वाक्य है वो है बी, तुम उन पर गुस्सा मत करो, ये इसका सही आंसर है। अब हमें विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे विलोम चुनने हैं, तो यहाँ पर 73 में है दानी का जो विलोम बनेगा वो बनेगा कृपण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 74 है परोक्ष का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। आप क्या करना है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश होता है, तो इसका सही आंसर है परिचलित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, उस योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, तो इसमें जो सबसे सूटेबल है वो है प्रारूप, यानी उसकी रूपरेखा, उसका फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, तो फॉर्मेट यानी प्रारूप इसका सही आंसर है। 77, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या नहीं करता, अधीर नहीं होता, अधीर का मतलब होता है बेसब्रा, जो सब्र वाला इंसान होगा, व्यक्ति होगा, वो परेशानी में भी बेसब्रा नहीं होता, सब्र से काम लेता है। 78 क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहुभाषिया। 79 क्वेश्चन है, त्रुटियुक्त वर्तनी का चयन करना है इसमें से, तो 79 का है सी, यहाँ लिखा है सम्मिलित, इसकी जो सही वर्तनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सम्मिलित, माप है छोटी की मात्रा, तो ये गलत है इसमें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 80 जो है 80, उसमें डी में भी यही गलती है, औषधि में बड़ी की मात्रा है जबकि धा के ऊपर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो इसमें यह त्रुटि है। तो ये हमारी हिंदी भी फिनिश हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, आंसर देखने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 81 है इनकॉर्पोरेट, इसमें हमें करना क्या है, विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन, तो हमें मोस्ट अपोजिट ढूंढना है, यानी हमें यहाँ पर एंटोनिम्स ढूंढना है, तो वन
81 का है, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट का जो होगा वो होगा एक्सक्लूड करना। क्वेश्चन नंबर 82 इनहाइबिट, इनहाइबिट का जो अपोजिट है वो यहाँ पर हम करेंगे एक्सपेंड। सिलेक्ट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, जो गलत स्पेल्ड हुए हैं, तो इसका है 83 का आंसर है ऑप्शन बी टेंटेटिव, और 84 है, 84 में जो है वो है इसका सही आंसर ल्यूडिक्यूरियस। इसी तरह से 85 की तरफ बढ़ते हैं, 85 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये हो गया, अब आ गया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ ना पढ़कर हम डायरेक्ट से क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर, 86 में हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी द पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कीड़े मार दवाओं के जो बांटने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ही फार्मर्स को बताएंगे, उसके उसके बारे में एडवाइस देंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है ऑप्शन सी है इसका भी, दैट रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इज ऑब्सोलेट एंड इनएडिक्वेट, ये इसका आंसर है 87 का। आगे बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है द नाउन रिलेटेड टू ऑब्सोलेट विल बी, तो इससे कौन सा नाउन बनेगा, इससे जो नाउन बनेगा वो है ऑब्सोलेंसेस, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, विच वर्ड कैन रिप्लेस मेजरेबली इन द अबव पैसेज, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेप्रोलेबली से, इनका जो मीनिंग है वो दोनों का सेम निकल रहा है, दुखद या फिर बुरा। क्वेश्चन नंबर 90 है विच फार्मर हैव सफर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, तो यहाँ से पैराग्राफ में से आंसर हमें इसका मिल चुका है, वो है ऑप्शन सी कॉटन ग्रोवर्स। क्वेश्चन नंबर 91 द एंटोनिम ऑफ स्प्यूरियस वुड बी, एंटोनिम होना चाहिए स्प्यूरियस का क्या, जेन्युइन, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली, जाली, जाली माल, तो जेन्युइन मतलब असली। आगे क्वेश्चन देखते हैं और, तो सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम एंड फ्रेज, तो इसमें मीनिंग बताना है सही। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पर बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ, तो इसका जो सही मीनिंग है वो है सी बेरली। क्वेश्चन नंबर 93 टू प्ले फास्ट एंड लूज, बहुत सारे बच्चे जो इसका ऑप्शन लगा के आए हैं वो है टू प्ले ट्रिक्स, जो कि इसका आंसर नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चीट ड्यूरिंग प्ले, खेलने के दौरान बेईमानी करना, चीटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 94 टू ब्रेक द आइस, तो इसका सही है ऑप्शन बी टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें मोस्ट सिमिलर बताना है, जो इसकी मीनिंग में सबसे ज़्यादा इससे सिमिलर हो। तो ईगर का जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो है क्यूरियस, जिज्ञासु, ईगर माने भी उतावना, उतावला और जिज्ञासु है, तो क्यूरियस का भी इससे मीनिंग सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 96 है एप्रेस, एप्रेस का जो सही ऑप्शन है वो है एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना। क्वेश्चन नंबर 97 फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमें यहाँ पे सिंपली, गांधी जी हैड डैश द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि गांधी जी जो है उन्होंने अहिंसा का रास्ता क्या किया था, अडॉप्ट किया था, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है अडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 98 ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर फिक्टिशियस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो पार्ट वन के सिर्फ दो क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है ऑप्शंस में से, तो 99 का जो आंसर है वो है सही ऑप्शन सी दैट हैड बीन टू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 100 जो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसका जो सब्स्टिट्यूट है सही वो है ऑप्शन बी व्हाट हैपेंड, ये इसका सही है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर ये व्हाट वुड हैपन पुट किया है, जिसका पेपर मेरे पास है उन्होंने भी शायद इसी को टिक किया था, तो इसका जो लेकिन सही आंसर वो है बी है व्हाट हैपन। तो दोस्तों ये पार्ट ए था जो हमने आंसर की जिसकी अभी बताई है आपको, तो आई होप कि आप इसमें से अब अपने आंसर मैच कर लेंगे और आप अपना एक एस्टिमेशन ले लेंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं।